फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गार्डन में अगर फूल ना खिले तो गार्डन देखने का मज़ा ही नहीं होता है। और ऐसे में बरसात के मौसम में हमारे गार्डन में अगर फूल खिल जाएं तो कितने प्यारे लगते हैं, देखने में भी आपको बता भी नहीं सकते हैं। देखिए, येलो कलर का हिबिस्कस का फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारे गार्डन में कुछ फ्लावर खिले हुए हैं बरसात के मौसम में, चलिए दिखाते हैं आपको कौन कौन से फ्लावर हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये सो स्वीट। ये रेड हिबिस्कस का फ्लावर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रेड रेड येलो, कितने सारे कलर होते हैं। ये भी हिबिस्कस का ही फ्लावर है, कितना बड़ा साइज़ का है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये ऑरेंज कलर में है, रेड तो नहीं है, ऑरेंज कलर है। मन खुश हो जाता है फूलों को देख के। और हमारे चंपा के प्लांट पर भी फ्लावर आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। और गुलाब पर देखिए, डार्क मैरून कलर का फ्लावर खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये ऑरेंज सा है, मर्जेंटा कलर। ये गुलाब का ही वाइट कलर है, इसे फूल को खिले हुए कई दिन हो गए हैं, अभी इसका कलर फेड होने लग रहा है। और यहाँ पर देखिए, ओलियंडर कनेर, कितने सारे इस पर फ्लावर आए हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं पिंक कलर में। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है पूरा। और ये पिटोनियाज है, पर्पल कलर का। पिटोनियाज पर भी फ्लावर आने शुरू हो चुके हैं फिर से, हमने इन्हें कट कर दिया था बिल्कुल। और ये रैन लिली, रैन लिली के फ्लावर बरसात में खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं पिंक कलर के। एक्जोरा पर भी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, वाइट कलर का एक्जोरा है हमारा, सुंदर लग रहे हैं इसके फ्लावर भी। और आलमंडा वाइन पर देखिए आप, कितने फ्लावर आए हुए हैं येलो कलर के, कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये क्रोसेंड्रा है, क्रोसेंड्रा पर देखिए ऑरेंज कलर के फ्लावर कितने सारे आ रखे हैं। क्रोसेंड्रा भी काफ़ी हार्डी सा प्लांट होता है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर भी। और यहाँ पर देखिए, रजनीगंधा के फ्लावर हैं, ये वाइट कलर के। रजनीगंधा के फूलों की खुशबू इतनी अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे सभी रजनीगंधा के प्लांट्स पर फ्लावर आने शुरू हो चुके हैं। और इधर ये मॉस रोज है, वाइट कलर के, इन पर तो हम पूरी गर्मी ऐसे ही फ्लावर खिलते ही रहते हैं हमेशा, हाइब्रिड है ये। विंका है, सदाबहार देसी विंका, हमेशा ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है, सुंदर लगते हैं इनके फ्लावर भी। देखिए हाइब्रिड विंका भी सुंदर लगते हैं, हाइब्रिड में कलर बहुत सारे मिल जाते हैं हमें, देसी में सिर्फ वही एक कलर होता है। और यहाँ पर देखिए, बेबी सनरोज पर कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आए हैं, छोटे छोटे फ्लावर है बिल्कुल रेड कलर के। बेबी सनरोज को पूरा दिन की धूप में रखिए आप, बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। और इसके फ्लावर बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। अब बरसात की वजह से ये सब ऐसे प्लांट हो गए हैं, पता नहीं अजीब से, क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्लांट है हमारे पास, इसकी लीव्स देखिए आप, काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। और इसके फ्लावर भी छोटे छोटे हैं, पर्पल कलर के इस पर फ्लावर हैं, छोटे छोटे फ्लावर हैं, लीव्स हैं छोटी छोटी। इस प्लांट्स का हमें नाम नहीं पता है, अगर किसी को इस प्लांट्स का नाम पता है तो हमें प्लीज़ ज़रूर बताएँ, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट देखिए।
और फ्लावरिंग देखिए आप, इस पर कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं पर्पल कलर में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।